और सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्सों को अब हटा दिया गया है। दरअसल उनके द्वारा जो कहा गया था कि आप हिंदू हैं ही नहीं, ये हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, ये हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी पर नफरत फैलाने का जो आरोप लगाया उस हिस्से को हटा दिया गया है। पीएम मोदी पर दिए नमस्ते वाले बयान को भी हटा दिया गया है। हिंदू वाले बयान पर दिए गए बयान में से कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। इसका क्या प्रावधान है और ऐसा क्यों किया गया, किन बातों को लेकर और जो रिकॉर्ड से हटाए गए इन हिस्सों पर कैसे कार्रवाई की गई, इसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी सदन में बोलते हुए ये सब बातें बोल गए थे। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, बहुत सारी बातें ऐसी राहुल गांधी ने सदन में कही थी जो विवाद का कारण बन सकती थी, जो आपत्ति योग्य रहीं, अब उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। क्या कुछ टेक्निकलिटीज रहीं इसकी और किस तरह से इस कार्रवाई को अभी अमल में लाया जा रहा है? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए थे उसको लेकर के आपत्ति जो है वो दर्ज की गई थी, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, उन्होंने उन जो बयान थे उन्हें स्पंज जो है वो कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी बीजेपी कह सकते हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया, सभी नए सांसदों को संबोधित किया, किरण रिजिजू को भी हम सुन रहे थे जिस तरह से वो बोल रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात जो वहां पर उन्होंने सभी सांसद के कही, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो जो है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर का व्यक्ति जो है, परिवार के बाहर का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये परिवार जो है, कांग्रेस का जो परिवार है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इसी कारण इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ पर अब जब एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस वक्त जो है वो साफ तौर पे कहा कि ये उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं सामंती मानसिकता को दर्शाती है, जिसके कारण जो है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो सामंती मानसिकता जो है उसको दर्शाती है और इसी कारण इस तरह के अनर्गल आरोप जो है वो कहे जाते हैं उनको। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो नेहरू गांधी फैमिली है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि कांग्रेस के प्रथम फैमिली से, फर्स्ट फैमिली से इसके बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, और इसी कारण हम राहुल गांधी के जो जिस तरह के बयान थे या फिर बीजेपी को जिस पर आपत्ति थी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें टोका था, केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें टोका था, राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका था, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें टोका था, किरण रिजिजू ने उन्हें टोका था, तो साफ तौर पर जिस तरह के बयान वो दिए रहे थे उसको पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर हम कल हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन बयानों पर आपत्ति जताई थी और उन्हें सत्यापित करने स्वाभाविक है, फिर इसे रिकॉर्ड से हटाया जाना भी स्वाभाविक है ताकि रिकॉर्ड में इस तरह के बयान न रहें और आगे जो संसद की गरिमापूर्ण महिमा है, जो गरिमा है वो भी बनी रहे और आगे रिकॉर्ड पे इस तरह की बातों और आपत्तिजनक बातों को भी हटाया जाता रहेगा, इस बात के भी संकेत इस कार्रवाई से मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये थे केंद्र के पंचायत की बात, अब राज्य के पंचायत की बात।